सो इस टाइम पे हम एकड़ी जगह जी चक्री सॉरी मैं भूल गया था, ये हम इस टाइम पे चक्री पे बैठे हुए, हमारे ड्राइवर को बड़ी हैवी किस्म की नींद आ गई और हमने रिस्क ना ले। ये इस तरह वाला मुदसरा जी का है और जी ये वाला हम बॉयज़ का रूम है, ठीक है, और ये मुदसरा जी का रूम और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनका ये रूम है और इनके रूम में बहुत ही हैवी व्यू है बाहर का। क्या बात, तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, हम निकल पड़े हैं अभी और ये मुदसरा जी एंड दिस इज माय माय स्टूडेंट्स और बाकी आगे बैठे हुए ये अभी एक स्टूडेंट और हैं हमजा भाई, उनको रास्ते से पिक करेंगे और फिर हम निकल पड़े हैं। यूसीबी वाली साइड से उनको पिक करना है। सो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया, यहाँ पे शाम पे फुल टाइम चल रहे हैं यहाँ पे। सो सी यू अगेन, और यूसीबी के सामने आना है बस। यो अस्सलाम वालेकुम, और ये हमने भेरा में स्टे किया इस टाइम पे और ये मेरा सारा स्टूडेंट स्क्वाड है और ये हमने स्टे किया हुआ इस टाइम पे। अभी स्टूडेंट मेरा बिरयानी बनवा के लाया हुआ था तो अभी हमने खैर वो खाई है एंड इसके बाद हम आगे जाएंगे अब, और अभी आई गेस आगे सारा नॉन स्टॉप ही सफ़र है। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिएगा आगे क्या होता है। सो इस टाइम पर हम केड़ी जगह जी चक्री सॉरी मैं भूल गया था, ये हम इस टाइम पे चक्री पे बैठे हुए, हमारे ड्राइवर को बड़ी हैवी किस्म की नींद आ गई और हमने रिस्क ना लेते हुए ये फैसला किया कि वो सो जाए। सो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाय शायद पी गए और उमर भाई आई गेस ड्राइवर को उठाने के लिए गए हैं, तो लेट्स सी आगे का सफ़र हमारा कैसा रहता है। ये पीछे है ले जी, हम अब शुगरान की तरफ जा रहे हैं और कितने खुले डुले जा रहे हैं, बड़े सुकून मॉल, क्या बात है। हाय हाय हाय, क्या बात है, हाय 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 यार क्या बात है। बस मैं दस दो दरवाजा खुल दी नहीं जाता, शहरी मनु फड़ के रख, शहरी मनु फड़ के रख, मैं फोन फड़ के रखना करूँ उस तरह, वो पता है मुझे। शहरी तो जोड़ना लिखा मोबाइल है मेरा, ये तो कुछ नहीं है। अब
देख लो शहरी, सिर्फ एक सेकंड पीछे मुंह करके देख ले, सिर्फ एक सेकंड सही तरह, एक टांग ऊपर एक खड़ी टांग ऊपर, मेहरबानी आप उससे ना मारे। फाइनली हम शुगरान पहुंच गए और ये हम होटल में आ गए। हमें आपको जाके रूम भी दिखाता हूँ इधर से। ये जी हमारा होटल है, इसमें बेसमेंट भी है और ये जी साइरस लोबी। नहीं आगे वाला, आगे वाला है, आगे राइट वाला, राइट वाला। ये इस तरह वाला मुदसरा जी का है और जी ये वाला हम बॉयज़ का रूम है, ठीक है। और ये मुदसरा जी का रूम और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनका ये रूम है। और इनके रूम में बहुत ही हैवी व्यू है बाहर का। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ओ सो माह हम इंजॉय कर रही हो? यप। ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये देखें यहाँ पे ये बॉयज वाला रूम है। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये उमर भाई वही हैं जिनकी ट्रेनिंग भी आपने देखी हो चैनल पे। सो मिलते हैं कल सुबह हाइकिंग पे, उसके बाद रात के कुछ क्या सीन होते हैं वो भी देखेंगे। हमजा भाई हैं, कैसे हमजा भाई आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय कर रहे हैं टूर? जबरदस्त, क्या बात है। अब हम रात के अराउंड 12:30 बजे निकले थे लाहौर से और इस टाइम 2 बज गए हैं, यानी कि हम तकरीबन कोई 11:30 घंटे में पहुंचे। और ये मैं बेड पे लेटने लगा हूँ। हाय 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 यार, लिटरली सुकून मिल गया। सी यू गाइस, देखते रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग में हम क्या करते हैं। और सामने ये हमारा होटल है एंड यहाँ पे एक पार्क नुमा एक पता नहीं क्या जगह है जिसको व्यू कहते हैं जी शुगरान का। खैर शुगरान आना मेरा एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स ने बताया मुझे कि यहाँ पे खैर कोई ऐसे स्पॉट्स नहीं है। सो देखते हैं अब, मैं वह यहाँ पे अकेला क्रूजिंग करने निकला हूँ, पैदल आ गया हूँ। यहाँ पे धुंध हो गई है और मौसम खुशगवार होना स्टार्ट हो गया है। और देखें आपको बादल नज़र आ रहे होंगे ऊपर और मौसम अच्छा हो रहा है। खैर ठंडा हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे और बारिश भी हल्की हल्की कतरे नमी के गिर रहे हैं, तो मौसम ठंड है यहाँ पे, काफ़ी ठंड। और पानी तो मैं कहता हूँ एक्सट्रीम लेवल का ठंडा है। स्टूडेंट सारे सोए नहीं हुए तो वो ऑब्वियसली थके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मैं थोड़ा सा भी सो के अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहता हूँ। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हूँ बिल्कुल, कि मैं अपनी जिम की 10 घंटे की ड्यूटी जो 12 घंटे की मैं कर सकता हूँ परफॉर्म। तो ये सीन है, पीछे धुंध नज़र आएगी आपको, यानी कि ये मौसम ठंडा होना शुरू हो गया। बड़ा अच्छा मौसम है इस टाइम पे, हाइट है ना ऑब्वियसली, तो इसलिए मौसम इतना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आपको मैं व्यूज़ दिखाता हूँ जो कि मेरे अराउंड है। वैसे ये मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे शोगरा में सिर्फ ये पार्क नुमा एक जगह ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो आई एम स्लाइटली सरप्राइज, तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर ये जाके देखते हैं थोड़ा सा क्या सीन है। तो बाकी कोई और पॉइंट निकलता तो वो भी आपको दिखाता हूँ फिर मैं। नॉर्दर्न में जाके यार मेरे से सोया नहीं जाता। मैं कहता हूँ कि अगर आप इतनी दूर आए हैं अपना घर बार से तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सोना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए जगह और देखना चाहिए। सो वो देखें बादल और इसके पीछे आपको नज़र आएंगे इलाके, पहाड़ वगैरह। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खुशगवार एक मौसम बन गया और धुंध भी होना स्टार्ट हो गई है। सो इट्स अ साइन कि अब यहाँ पे जल्द ही मौसम चेंज होने वाला है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मौसम अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे इस पार्क नुमा एक जगह के अलावा एक जगह खाने पीने वाली कुछ जगह है बस,
और उसके अलावा मैंने सुना यहाँ पे कुछ भी नहीं खास। तो रात को भी हमने निकलना है, यहाँ पे हमारा स्टे है बेसिकली शुग्रान में, और शुग्रान में स्टे करने के बाद सुबह इंशाल्लाह 6 बजे हम जीप करवा के जाएंगे मकड़ा पी की हाइकिंग करने, सीरी पाए जाएंगे, और वहाँ पाए से फिर आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे मकड़ा पीक हाइक करेंगे पूरा, पहले ट्रैकिंग है उसके बाद हाइकिंग है, तो वहाँ पे भी आपको साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, तो एंजॉय करेंगे, उम्मीद है आप। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।